ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए एक नो कॉन्टैक्ट रीडिंग, जिसमें हम ये देखेंगे कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर के माइंड में, क्या है उनकी थॉट प्रोसेस, क्या है एग्जैक्टली उनके मन में। सो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। क्या चाहते हैं वो, क्या वो वापस से आपके पास आने का सोच रहे हैं या इस रिलेशनशिप को यहीं ओवर करने का सोच रहे हैं। हम इन सारी इन्फॉर्मेशन के साथ इस रीडिंग को करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर उस पहलू की तरफ जाएं, हर उस चीज़ को कवर करें जो इस रीडिंग में ज़रूरी है। रीडिंग कौन कौन देख सकता है? सो जो लोग भी ऑलरेडी सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, कुछ ऐसा उनकी लाइफ में भी फ़िलहाल चल रहा है जिसकी वजह से वो ऑन ऑफ में रहते हैं, सिचुएशन ठीक नहीं हो पा रही है और चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे, सो उन सब लोगों को कहीं ना कहीं ये रीडिंग मैच ज़रूर करेगी। सो कोशिश करते हैं फ्रेंड्स कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल पाएँ। बाकी जिन्होंने फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ इस चैनल को आपने इतना पसंद किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और जो सिर्फ रीडिंग देख के चले गए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को। फ्रेंड्स कॉमेंट करके ज़रूर बताया करें और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो फटाफट से बिना समय गवाए इस रीडिंग को करते हैं अब स्टार्ट। सो कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, फ्रेंड्स देखते हैं कि इस नो कॉन्टैक्ट में क्या एनर्जीज दिख रही हैं आपकी इस रिलेशनशिप में। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपकी एनर्जी से, आप क्या महसूस करते हैं, एंड देन हम आपके पार्टनर की एनर्जी निकालेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। सो मकर राशि की इस नो कॉन्टैक्ट में क्या एनर्जी है देखते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, थ्री ऑफ कप्स। मुझे मकर राशि, आप एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पे आपने अपनी लाइफ में अब एक नई शुरुआत कर दी है। आप अगले एक हफ्ते अपने दोस्तों के साथ घूमेंगे फिरेंगे, उनसे बातचीत कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि आप ये जो पेन है ये नो कॉन्टैक्ट का या सेपरेशन का या ये सब से बाहर निकलूं, बहुत हो गया, सर दर्द हो गया मेरा ये सब चीज़ें सोच सोच के या इन्हीं बातों को याद कर करके कि उसने क्या किया, अब क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये सब चीज़ें आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने लगी हैं। और आपने फाइनली ये डिसाइड किया कि मुझे अब ये सब नहीं सोचना। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली इस पर्सन से डिटैच करने की कोशिश करेंगे, इसकी एनर्जी से निकलने की कोशिश करेंगे। आपको अब और ज़्यादा इसके बारे में नहीं सोचना। मुझे जो आपकी रीडिंग में दिख रहा है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा अब इसके बारे में नहीं सोचना चाहते। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट हो, न्यू बिगिनिंग हो, और अभी फ़िलहाल आप किसी के साथ भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, फॉर सम वर्गोस चांसेस हैं कि आप किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हैं, यानी कि आपका मेन पार्टनर के साथ साथ आप किसी और पर्सन को भी डेट कर रहे हैं, यानी आपकी लाइफ में दो लोग हैं, चांसेस हैं। बट फिलहाल आप जो अपना मेन पर्सन है जिसके साथ ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, वहाँ आप कुछ ना कुछ डिटैच होने की, इस सिचुएशन से निकल कर एक नई सिचुएशन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे आपके लिए दिख रहा है कैप्रिकॉर्न्स। आइए देखते हैं अब क्या आपके पार्टनर भी ऐसी एनर्जी में हैं। सो क्या दिख रहा है आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी में। सबसे पहला नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स। देखिए, आपका और आपका पार्टनर एक काफ़ी लंबे अरसे, काफ़ी बड़ी लड़ाई के बाद कह लें या काफ़ी बड़े झगड़े के बाद अलग हुए हैं, और आपके पर्सन को अब ये लगता है कि वो आपके साथ इसलिए जुड़ना चाहता था क्योंकि आपके साथ उसकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी थी। आपके होने से उसको एक, जैसे कहते हैं ना, किक मिलती है, मुझे उसके साथ एक किक मिलती है, मुझे उसकी मेरे लाइफ में होने से मेरी लाइफ खूबसूरत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपका जो एक पूरा
होना था उस पर्सन की लाइफ में उसको बहुत बड़ी किक देता था, यानी वो या तो फाइनेंशियली या फिर इमोशनली आप बहुत ज़्यादा उस पर्सन के लिए अवेलेबल रहते थे और उसको बहुत कुछ अच्छा देते थे या फिर कुछ ऐसा। लेकिन फिलहाल ऐसा हो गया है कि ये जो एंडिंग हुई है ये उसको भी बर्दाश्त नहीं हुई। उसका भी जो पैशन था आपके लिए कुछ तो था, लेकिन अब सब खत्म हो गया। और ये सारी चीज़ें ख़त्म होने से आपका पार्टनर उदास है। आप जहाँ इमोशनली डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं आपका पार्टनर अभी भी आपको याद करता है और वो कहीं ना कहीं आपके साथ दोबारा वापस चीज़ों के ठीक होने के बारे में सोचता है। मुझे रिकन्सिलेशन वाली फीलिंग्स तो नहीं आई अभी, ना ही ऐसे मैसेजेस दिख रहे हैं इन कार्ड्स में, बट फिलहाल वो इस दूरी से, इस सब चीज़ों से सैड है और उसको कहीं ना कहीं दुख है इन सब चीज़ों का फिलहाल। अब मैं देखती हूँ गाइडेंस वाइज क्या करना चाहिए आपको। सो मूनोलॉजी से देखेंगे क्या है गाइडेंस फॉर आपके लिए, कैप्रिकॉन्स के लिए क्या गाइडेंस है। सो कैप्रिकॉन्स क्या गाइडेंस है, कैप्रिकॉन्स डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। देखिए कहीं भी अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी किसी भी चीज़ को लेके घमंड आ रहा है सो उसको अपने माइंड से निकाल दीजिए, घमंड नहीं आना चाहिए। सो ये हो सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल, जिस भी लेवल में आप ये चीज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। सो अगर कोई चीज़, अगर आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, कहीं मूवमेंट के लिए चाहते हैं, कोई कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ में आप अचीव करने वाले थे, आप उसके बहुत पास हैं, ठीक है। सो पॉजिटिव आए हैं आपके लिए, बट जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है उसके बारे में भी प्लीज़ सोचें। सो ये है मकर राशि आपकी रीडिंग, और क्लियर हुई हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताएं कैसी लगी। बाकी मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली रीडिंग में, और पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए फ्रेंड्स बाय फॉर नाउ।